जिंदा हैं कई किरदार मुझमें, उतारते रहिए लिहाफ, मुमकिन हो कि आखिर में एक कलाकार नजर आए मुझमें। जब एक कलाकार मंच पर होता है तो उसे खूब वाहवाही मिलती है, सराहना मिलती है, खिताब मिलते हैं और यही उस कलाकार की पूंजी होती है। लेकिन राजस्थान का एक कलाकार आज मुसीबत में है। उसका फन आज भी तंदुरुस्त है लेकिन वो किडनी की बीमारी के आगे हार गया है। पिछले 3 सालों से शिवराज डायलिसिस पर है। शिवराज ने अपने बच्चों को भी अपना हुनर सिखाया लेकिन सब मिलकर भी इतना पैसा जमा नहीं कर सकते कि शिवराज का इलाज करवा सके। आज शिवराज बहरूपिया को मदद के मरहम की दरकार है। कितना लाड़ प्यार मत दे मेरे बेटे शेखों को, लेकिन वो नहीं मानी। उसका नतीजा ये निकला, एक अनारकली की मोहब्बत से वो जाकर के मिल गया। इनकी अदायगी की दुनिया कायल है, संवाद ऐसे कि रूह में उतर जाएं, अंदाज ऐसा कि अंदाज भी शर्मा जाए। ये बादशाह अकबर हैं, जो अपने शहजादे की मोहब्बत पर अपनी हैसियत की पैरवी कर रहे हैं। वो नहीं मानी। उसका नतीजा ये निकला, एक अनारकली की मोहब्बत से वो जाकर के मिल गया। तारीखों में दर्ज ये किरदार निभाया है बांदीकुई के कलाकार सुब्राती उर्फ शिवराज बहरूपिया ने। शिवराज वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि ये शख्स कला का वो संस्थान है जिससे कई कलाकार तामील हासिल कर समाज का मनोरंजन कर रहे हैं। हर मंच ने इन्हें मान दिया और समाज ने सम्मान। कलाकार ने कला दिखाई तो तालियों की हौसला अफजाई मिली। अब दुनिया की हर चीज मेरी मुट्ठी में होगी। शिवराज के नाम और काम में न सिर्फ सामाजिक सौहार्द दिखता है, बल्कि उसके काम में हर मजहब का अंश और जिंदा आदमी और समाज का दंश साफ दिखता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से सुपर ह्यूमन का किरदार निभाने वाला ये कलाकार बीमार है। सुब्राती को किडनी की बीमारी है और बार बार शिवराज उर्फ सुब्राती को डायलिसिस पर जाना पड़ता है। अमीर किरदार का गरीब कलाकार इतना पैसा नहीं जुटा पाता कि इस बीमार शरीर का इलाज करवा सके। शिवराज की अदायगी के जलवे कईयों के दिलों पर छाए रहे। मंच पर कभी राष्ट्रपति तो कभी मुख्यमंत्री के हाथों सम्मानित होने वाला ये फनकार आज मुसीबत में है। इस मर्ज पर मदद का मरहम बेहद जरूरी है। मैंने मेरी जिंदगी में यूपी से लगा करके आसाम लगा करके गुवाहाटी, तिनसुकिया, जोरहाट, डिब्रूगढ़, सिक्किम, गैंगटॉक, ये मैंने बेंगलोर, मैंने मतलब मद्रास, हर जगह मैंने कार्य किया। मेरा वेस्ट जोन कल्चर राजस्थान पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, जबकि मैं 50 रुपया मिलता उस जमाने से मैंने अपना कार्य किया। तो मैं आपसे मेरे से थोड़ा बोला भी जा रहा है, बताऊं तुम्हें शाम में क्या सिखाऊं, बताऊं तुम्हें शाम मैं क्या सिखाऊं। और सच पूछिए तो बहरूपिया हूं। पिछले 3 सालों से अपना घर बार सब गिरवी रख कर सुब्राती का परिवार इलाज की जंग लड़ रहा है। ठीक है साहब, ऐसे होता है कि उनके डायलिसिस कराने के लिए हर हफ्ता में 3 रोज में जाते हैं, 5-6 हजार रुपये लगते हैं उनका, 2500-3000 गाड़ी ले लेती है, उसमें हमारा गुजारा नहीं होता है। लगाते लगाते 3 साल होगा,
तीन साल में हम पेपला पार्ट हो गए, कुछ भी नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं रहा, रोजगार नहीं रहा, कमाई ख़त्म हो गई है। अब बच्चा भी झगड़ा करने लगे, लड़ाई करने लगे पैसे टके से वजह से, अब बहुत परेशान हो रहे हैं। तीन साल उनको हो गए, अब आप ये लगा लीजिए सर कि बहरूपिया कला एक ऐसी कला है जो दबली कुछ की कला है, बहरूपिया कला प्राचीन काल से लुप्त हो गई, लुप्त हो गई है। इस कला को जीवित रखने में इन्होंने बड़ा संघर्ष किया, मेहनत करी, लेकिन आज संघर्ष करने वाले किडनी से ग्रस्त हो गए हैं, हालत ख़राब हो गई है। इस वजह से हम तीन साल से इनकी परेशानी झेल रहे हैं और 20 से 22 लाख रुपये हमारे परिवार ने कर्ज करके इनको बचाया भी है, लेकिन अभी तक ये है कि हम ये चाह रहे हैं कि सरकार इनको कहीं से रोजगार के रास्ते भी नहीं खुल पाए। कम 10,000 रुपये डेली का हमें 3 दिन के बाद चाहिए डायलिसिस करवाने के लिए, गाड़ी का भी चाहिए, मेडिकल का भी चाहिए, हॉस्पिटलों के भी चक्कर काट रहे हैं हम लोग, और कहीं से भी हमें ये उम्मीद नज़र नहीं आ रही है कि हमारे पापा की किडनी चेंज हो जाए या कोई आइटम कोई सहायता गवर्नमेंट हमें दे दे। तो अगर हम तो ये चाहते हैं कि हमारे पापा की किडनी चेंज हो जाए, क्योंकि ये सब जानते हैं कि कलाकार की काया ही उसका व्यवसाय है। लेकिन क्या इतने सारे कदरदानों के बीच कोई कलाकार अपनी जंग हार जाएगा? अगर ऐसा हुआ तो ये समाज के लिए शर्म की बात है। मेरे कम से कम 15-20 लाख रुपए तो लग गए हैं, मेरी दोनों किडनी फेल हो चुकी है और मेरी हालत खराब है, आज मेरी यह हालत है। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ सरकार से और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरे लिए कोई सहायता या मदद करें। एवन टीवी के माध्यम से हमने कलाकार की दशा दिखाने की कोशिश की है, इस दशा को क्या आप सही दिशा दे सकते हैं? अगर हाँ तो आइए और इस कलाकार की मदद कीजिए।